वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय भीम, जोहार, सतनाम। वाह साहब, मान्यता चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश। आज हमारे साथ काफी मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ गायत्री रानी जी जुड़ी हुई है, उनका भी बहुत स्वागत करते हैं। वाह साहब, मान्यता चैनल में हमारे साथ वर्मा साहब जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत स्वागत करते हैं। रोशनी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम खास विषय को लेकर आप सबके सामने लाइव वॉइस ऑफ मानवता चैनल पर अमेरिका से लाइव हम सब जुड़ रहे हैं, और इस प्रोग्राम के माध्यम से हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पत्नी रमाबाई जी का कल हम लोगों ने पूरे देश और दुनिया में निर्वाण दिवस के अवसर पर उन्हें हमने याद किया। तो इस अवसर पर कहा जाता है कि कोई ना कोई पुरुष के विकास के पीछे, उस उनके उन्नति के पीछे महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान और हाथ होता है। तो जिस दिन से रमाबाई का जो जीवन संघर्ष है, उनकी त्याग और उनकी जो योगदान है बाबा साहब अंबेडकर के हर सुख और दुख में उनके साथ देने के लिए, बाबा साहब इतने संघर्ष करके, विदेशों में जा करके पढ़ लिख करके, जो उन्होंने इतने संघर्ष में, कठिनाइयों में, उनका जो हौसला अफजाई करने वाले जो उनकी पत्नी थी रमाबाई, उनका निर्वाण दिवस के अवसर पर हम मुझे उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और आज के इस अवसर पर हम उनके जीवन संघर्ष के संदर्भ में बारी बारी से सभी मेहमानों से हम बात करेंगे। हमारे साथ टीआर खोटे साहब भी जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आज की इस परिचर्चा को मैं सबसे पहले लेकर वर्मा जी के पास जाना चाहूंगा। वर्मा साहब, रमाबाई जी का कर निर्वाण दिवस हमने मनाया है, तो उस संदर्भ में पहला सवाल हम आपसे लेकर के जाना चाहेंगे कि बाबा साहब के इस जो जीवन संघर्ष था उनका, उनमें रमाबाई माता जी का कितना बड़ा योगदान था, इस संदर्भ में हमारे देखने सुनने वालों को बताने की कोशिश करें और विस्तार से बताएं। वर्मा साहब, सभी इस मीटिंग में जुड़ने वाले सभी, मैं सबको जय भीम नमस्कार। मेरा आपको, आपके माताजी का समाचार अभी अभी मुझे पता चला, बहुत दुख हुआ, और उनकी मन की शांति की प्रार्थना करते हैं। माँ रमाबाई का नाम आते ही हमें लगता है कि खुंडे साहब, सब साहब को भी मैं जय भीम, जय भीम, जय भीम जी। आज आपका विषय है, इसके ऊपर बोलिए, जितना समय बोलिए। जी 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 सर। तो माता रमाबाई के विषय में बात करते ही हमें अपनी माँ की, जैसे हमें हमारी माँ है वो, तो ऐसा अनुभूति होती है कि हम अपने माँ की, माँ का जिक्र कर रहे हैं। जी जी। क्योंकि उनमें जो एक माँ का प्यार, एक गृहिणी का और एक सफल स्त्री जिसे बोलते हैं, जो उनमें गुण था वो भुलाया नहीं जा सकता। वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, ज़्यादा क्या, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी। बाबा साहब के इस शैक्षिक महत्वाकांक्षा को ऐसा लगता है कि उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से भांप लिया था, इसलिए उनके हर कदम पे, हर उनके जो भी उनकी एक्टिविटीज थी बाबा साहब का, उन्होंने, माँ रमाबाई ने उनका साथ दिया, और साथ ही नहीं दिया बल्कि कोशिश की कि उनको कभी महसूस ना होने पाए घर की जो दुख मुसीबत और जो कठिनाई, उन्होंने बाबा साहब को महसूस नहीं होने दिया। उनके बच्चे कुर्बान हो गए दवा के अभाव में, गरीबी में, और घर की परिस्थिति, जो आर्थिक स्थिति के कारण बच्चे भी बीमारी के वजह से, दवा के ना होने की वजह से नहीं रहे, फिर भी वो संघर्ष करती रही। बाबा साहब जब पढ़ने गए तो उन्होंने जितनी मुसीबत, जितनी परेशानी
सही है तो वो बिल्कुल भुलाया नहीं जा सकता। यहाँ तक कि मैंने पढ़ा कि बाबा साहब जब विदेश में थे उनको इतनी परेशानी हुई, पैसे की आर्थिक तंगी हुई, उन्होंने माँ रमाबाई को कहा कि उन्होंने टेलीग्राम के माध्यम से कि अगर कुछ पैसे हो तो भेज दो। तो माता रमाबाई ने कुछ पैसे इकट्ठा कर रखे थे, जो भी इधर उधर से करके कुछ पैसे खुद अपनी घर गृहस्थी, अपनी घर के परिवार का कष्ट सहते हुए भी उन्होंने वो पैसे बाबा साहब को लंदन में पढ़ने के लिए उन्होंने भेजा। तो इस तरह से जो भी उनकी कुर्बानी है, मुझे तो कभी एक 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 बहुत द्रवित करने वाला एक उनका याद आता है कि जब उनके एक बेटे की मृत्यु हुई तो बाबा साहब उस समय पूना पैक्ट के लिए गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन जा रहे थे, और जब वो बेटा उनका नहीं रहा तो उनसे सब घर वालों ने कहा कि तुम कैसे बाप हो कि बेटा की लाश इधर पड़ी है और तुम्हें लंदन जाने की वो है। तो उनके पास पैसे नहीं थे उसकी कफन के लिए, और माँ रमाबाई ने अपने साड़ी का आंचल, एक टुकड़ा साड़ी का फाड़ के उसको कफन के रूप में बच्चे को ले जाके, और कितना द्रवित यह दृश्य है, सोच के भी ऐसा लगता है कि उस माँ ने कितना कष्ट सहा होगा कि मतलब उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और बाबा साहब को उनके रास्ते पे चलने के लिए कभी कभी वो अडिग नहीं हुई, लगातार उनका साथ देती रही इतनी दुख और मुसीबत में भी। हमें लगता है कि जो बाबा साहब बने, जो बाबा साहब की जो उन्नति एक तरह से सफलता है, उसमें बहुत बड़ा योगदान माता रमाबाई का है। बाबा साहब ने एक किताब लिखी थी, पाकिस्तान, क्या नाम था उसका मैं भूल रहा हूँ, उसमें रमाबाई के विषय में बहुत विस्तार से उन्होंने लिखा है। उस उस किताब को उन्होंने माँ रमाबाई के को डेडिकेट किया था, और उसमें बाबा साहब पाकिस्तान, जी जी वो वही किताब थी। तो उसमें उन्होंने बड़ा बहुत ही दुखी मन से उन्होंने कहा कि रामो बुलाते थे बाबा साहब उनको, तो बहुत दुखी मन से उन्होंने लिखा है कि उसने रमा ने मुझे हर परिस्थितियों में हर जगह उन्होंने साथ दिया, और मेरी सफलता में रमा का बहुत बड़ा योगदान है। उस पुस्तक में बाबा साहब ने उस पुस्तक को भी डेडिकेट किया है माँ रमाबाई के नाम पे। तो एक माँ के रूप में, एक गृहिणी के रूप में, एक पत्नी के रूप में जो उन्होंने अपना निभाया है, फर्ज निभाया है, वो रियली एक एक मतलब एक नायिका। जो बाबा साहब आज कुछ कर पाए, तो अगर वो नहीं उनका साथ देती तो मुझे लगता है कि वो घर की परिस्थितियों में उलझे रहते, मानसिक दबाव में रहते, तनाव में रहते, लेकिन ऐसा कहीं प्रतीत नहीं होता उनके किसी भी जीवन के संघर्ष में कि माता रमाबाई ने उनको कहीं व्यवधान पैदा किया हो। चाहे आर्थिक मामले में तंगी इतनी ज्यादा थी कि पढ़ पढ़ के, हमने तो देखा नहीं है लेकिन पढ़ा ही है कि इतनी तंगी की, गरीबी की भी हद होती है, तंगी की भी हद होती है, वो तंगी उन्होंने गुजारी है, और कभी अडिग नहीं हुई अपने पथ से। यहाँ तक कि जब बाबा साहब विदेश में गए थे तो उनके पिताजी भी, बाबा साहब के पिताजी भी बीमार थे, बहुत बीमार थे, उनकी भी परिनिर्वाण हो गया था,
उनकी भी दवा, उनकी भी सेवा उन्होंने बराबर की। बाबा साहब तो उनको देख रेख नहीं कर पाए अपने पिताजी के, लेकिन उससे ज्यादा उनकी देख रेख माता रमाबाई ने किया बाबा साहब के पिताजी। तो एक सफल गृहिणी और सफल पत्नी, सफल माँ के रूप में हम उन्हें आज याद करते हैं। बहुजन नायिका के रूप में हम अगर उन्हें कहें तो कोई हर्ज नहीं है, और एक माँ के रूप में वो हम तो समझते हैं कि बाबा साहब को इतना महान बनाने वाली वो एक माँ हमारे लिए इतनी पूजनीय है, इतनी हमारे मन में उनके प्रति भावनाएं हैं कि ऐसा लगता है कि हम कितना भी व्यक्त करें, कुछ कहें, वो बहुत कम है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः उनको कल उनका जो भी था मतलब जन्मदिवस जी, तो हम उस पे आज उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं, और उन उनको हार्दिक रूप से हमारी दिल की गहराइयों से हम उन्हें एक माँ के रूप में हम कभी भुलाना नहीं चाहते, और निवेदन करते हैं इस पूरे बहुजन समाज के को कि ऐसी माँ को उनके इस पूरी जो उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया बाबा साहब को महान बनाने में, तो बहुजन समाज उनका ऋणी रहेगा। इस ऋण को बहुजन समाज को उनको सदैव याद रखना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया वर्मा साहब, हम आपके पास फिर से लौटेंगे। आज की ये महत्वपूर्ण चर्चा को लेकर वैसा मानवता चैनल पे हम लोगों ने इस प्रोग्राम को लाइव करने की कोशिश की है, और तमाम जो आज हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं उनके उनसे हम आज माता रमाबाई अंबेडकर जी के जीवन संघर्ष के संदर्भ में, जैसा कि वर्मा साहब ने बहुत भावनात्मक रूप से उनका संदेश को, उनकी जीवन की इस कठिन परिस्थितियों को, जिनके वो हम सुन करके और समझ करके भी हम उस परिस्थितियों को अवगत हो सकते हैं कि कितना ये मार्मिक और कठिन समय रहा होगा, और ऐसे कठिन संघर्ष या योगदान ये कहें वो तमाम करोड़ों करोड़ों बहुजन दबे कुचले लोगों के जीवन में रोशनी डालने के लिए ये संघर्ष उनका रहा, और आज ये समाज हमेशा उनका ऋणी रहेगा। इस ऋण को तो वो चुका नहीं सकते हम सब लोग, लेकिन हम नम आंखों से माता जी को वैसा मानवता चैनल की ओर से उनके उस संघर्ष पर हमें उन्हें हम सत सत नमन करते हैं, जय भीम करते हैं। और आज हमारे साथ दो महिला माता समाज की महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, रोशनी देवी जी एक सामाजिक कार्यकर्ता है दिल्ली से, और गायत्री रानी जी भी जुड़ी हुई हैं। मैं खुटे साहब से चर्चा करने से पहले इन दोनों बहुत माता अच्छा, बहुत से भी मैं चर्चा कर लेता हूं कि रमाबाई की उस जीवन संघर्ष को किस नजरिए से देखती हैं आज के हमारे बहुजन समाज की माताएं बहनें और हमारी बेटियां, किस रूप से उन्हें याद करती हैं, क्योंकि मुझे लगता है जिस ढंग से, जिस परिस्थितियों से माता रमाबाई ने बाबा साहब को साथ दिया, और आज हम लाखों करोड़ों बहुजन समाज के लोग आज हम खुशहाल जीवन जी रहे हैं, अच्छे मौज मस्ती के साथ जीवन जी रहे हैं, लेकिन माता रमाबाई के जीवन संघर्ष को भी आज के बेटियों को, आज के महिलाओं को पढ़ना चाहिए, उनको समझना चाहिए और जानना चाहिए। मैं गायत्री रानी जी से कोशिश निवेदन करूंगा कि माता रमाबाई के निर्वाण दिवस के अवसर पर उनके जो भी जानकारियां हैं, जो भी अनुभव रखती हैं, उसको हमारे साथ शेयर करें और अपने विचार व्यक्त करें। गायत्री रानी जी, हेलो, गायत्री रानी जी हमें सुन पा रही हैं? जय भीम, जय भारत जी, बोले। मैं उन महिला का जो है बहुत तहदिल से सम्मान करती हूँ। भारतीय महिलाओं की मौजूदा जो स्थिति थी उस टाइम बिल्कुल भी सही नहीं थी, तब भी उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाई और इस तरह से अपने पति का साथ दिया, बच्चों को उन्होंने किसी भी तरीके से
ऐसे नहीं समझा कि भाई बहुत पुराना टाइम है या जो भी है, देश की जो उस टाइम दशा थी बहुत नाजुक थी। पढ़ाई भी उन्होंने चोरी से पढ़ाई भी की है, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने चुपचाप पढ़ाई भी, संस्कृत बहुत अच्छे से पढ़ती थी वो, और कई भाषाओं में उन्होंने अपना ज्ञान भी अर्जित किया, और कदम कदम पर अपने पति का भी साथ दिया। अब बच्चों को जो बेटी उनके मतलब उन्होंने एक वो भी बहुत अच्छा एक अपना अस्तित्व बनाया कि ब्राह्मण परिवार में पैदा होने के बाद भी उन्होंने एक मिसाल कायम की, गरीबी में होने के बाद भी एक मिसाल कायम की, और उनको देश की फेमिनिस्ट भी कहा जाता है। महाराष्ट्र के एक चितपावन जो परिवार था उसमें उनका रहन सहन वो भी हुआ, और जो उनके जो पिता थे वो डोंगरे संस्कृति के विद्वान थे। उन्होंने रमाबाई की जो घर में ही संस्कृत की पढ़ाई कराई और उनको कदम कदम पर प्रेरित किया, जबकि उस टाइम ऐसा नहीं था कि महिलाओं को पूरी तरह से पढ़ने की आजादी हो या जो भी कुछ हो, लेकिन उनके अंदर ललक बहुत ज्यादा थी। तो इस पिता के साथ से उनके संस्कृत की पूरी पढ़ाई हुई, उन्होंने भारतीय विद्वानों की जैसे संस्कृत की पढ़ाई की, और रमाबाई जो थी वो भारतीय विद्वानों ने उनको एक बहुत ही पूजनीय नाम दिया, उन्होंने उनको सरस्वती का नाम दिया, उन्होंने एक ऐसा सम्मानीय नाम से उनको सरस्वती का नाम देकर के उनको कहा कि ये मतलब कहीं से शिक्षा अर्जित नहीं कर पा रही है, कहीं से कुछ नहीं कर पा रही, और घर में रहकर के ही उन्होंने एक संस्कृत का ज्ञान अर्जित किया, संस्कृत की विख्याता बन गई वो। और रमाबाई ने बचपन में ही अपने माँ बाप को खो दिया था, तो वो तब भी इसके बाद भी पूरे देश में घूमती थी और व्याख्यान करती थी, और मतलब और भी अपनी जैसी महिलाओं को जाकर के ज्ञान देती थी, उन्हें कन्नड़ भाषा, मराठी भाषा, बांग्ला भाषा, हिब्रू भाषा जैसी सात भाषाएं आती थी, और उनके पिता जो थे इतने विद्वान थे, इतने विद्वान थे कि उनको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं थी, अपने पिता से ही उन्होंने संस्कृत की, कन्नड़ की, जो भी भाषाएं उन्होंने सीखी अपने पिता से ही सीखी। जी मैं गायत्री रानी जी, मैं उनकी शिक्षा के अलावा आज के परिवेश में जो बहुजन समाज की हमारी बेटियां हैं, हमारी जो नारी समाज है, माता समाज है, वो रमाबाई के इस संघर्ष को किस नजरिए से सोचती और देखती है? नहीं, इनके संघर्ष को बहुत ही सम्मानीय नजर से देखना चाहिए, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि आजकल कोई याद नहीं रखता है ऐसे संघर्ष को, इतना जो उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया जिनकी वजह से आज हम अच्छी शिक्षा पा रहे हैं, अच्छा सोच पा रहे हैं, और जिसकी वजह से हम बिल्कुल आज मस्त जीवन जी रहे हैं, वो उन्हीं की देन है। उन्होंने अपनी कठिनाइयों से जीवन जी करके हम लोगों को सहज जीवन दिया, तो मेरे ख्याल से तो सभी को उनकी इन जो भी कठिनाई में जो भी उन्होंने जो भी किया संघर्ष, उसको भूलना नहीं चाहिए, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि आज के भारतीय समाज में जो महिला समाज है या पुरुष प्रधान जो भी समाज जो जैसा भी है, सबको उनके एहसानों को याद करना चाहिए, और याद करने के साथ साथ ही उन पर चलने का प्रयास करना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया त्रिनानी जी, हम आपके पास फिर से लौटेंगे, और मैं रोशनी जी से निवेदन करूंगा कि आप भी रमाबाई के आज के इस निर्वाण दिवस के अवसर पर अपने विचार रखें। रोशनी जी, जन्मदिन का है जी, 7 फरवरी उनका जन्मदिन था जी, जन्मदिन है जी, तो मैं रोशनी जी से गुजारिश करूंगा कि रमाबाई जी के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें किस नजरिए से, किस ढंग से, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता है, दिल्ली में रहती हैं और बहुत सारे बहुजन समाज के संघर्षों पे, लड़ाई पे आप लड़ाई लड़ते रहते हैं और आवाज उठाते रहते हैं, तो उनके इस जीवन संघर्ष को किस नजरिए से देखती हैं रोशनी जी? हेलो, मुझे लगता है रोशनी जी से हमारे संपर्क नहीं हो पा रहा है, मैं
हमारे साथ कृपाल सिंह साहब जुड़ गए हैं। कृपाल सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह। वाहे खालसा, वाहे फतेह जी। आज बाबा साहब अम्बेडकर की पत्नी, जो धर्म पत्नी थी, उनकी जन्म दिवस के अवसर पर हम सब लोग कल 9-7 फरवरी का उनका जो जन्म दिवस था उस पर हम, मैं बीच में ये कहना भूल गया था कि उनका निर्वाण दिवस है, तो मैं क्षमा चाहता हूँ सभी दर्शकों से। तो उनके जन्म दिवस के अवसर पर हम उन्हें याद कर रहे हैं। तो अभी अभी जिस ढंग से हमारे हमारे साथ में वर्मा जी और जो गायत्री रानी जो दिल्ली से हैं, उन्होंने भी अपने विचार रखे। रोशनी जी हमें सुन पा रही हैं? यस, मेरे पहले पहले तो सबसे नमस्ते, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु फतेह। मैं सहमत हूँ गायत्री रानी जी के विचारों से। वो जो रमा भाई जी जो का रोल जो है वो सेंट्रल रोल है, अपने पत्नी को भी स्ट्रॉन्ग, पति को भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और अपना रोल भी समाज में विद्या विचार प्रचार करने के लिए। देखो, हमारे यहाँ गुरु नानक साहब के शब्द हैं कि भाई सो क्यों मंदा आखिया जित जब मेरा जान। What it means is के in the appreciation of women के भाई उन वो जो औरतों का रोल है ना, वो तो हम उस औरत के साथ ही पलते हैं, औरत से ही बर्थ लेते हैं, औरत के साथ ही हमारे वो जो है सारा समाज चलता है। सो उसका जो एहसान है वो तो हम भुला ही नहीं सकते किसी रूप में भी। हमारी मदर भी है, वो हमारी बहन भी है, हमारे लड़की भी है, सब रूपों में वो हमारी मदद करती आ रही है। उसका सत्कार ना करना, उसनु विद्या ना देने का हक देना, ये जड़ी साडे समाजिक जड़ी है बेवकूफी है। इहदा सिर्फ इको एक ही इलाज है, वो इलाज ये है कि भाई ये चीजा घर तो शुरू होनी चाहिए, घर से शुरू होगी। देखो ना, मेरे माता जी कहते थे कि एक औरत एक बच्ची को बढ़ाई करा दो ना, सारा परिवार बढ़ जाता है। ये एक मुंडे को करवाते हैं, विद्या देते हैं, वो सिर्फ आप ही रोटी वगैरह कमाने का रोजगार पैदा करने का है, पर जो वाइफ है, जो लड़की है, उससे सारा सारा परिवार जो है पढ़ लिख जाएगा, आगे बढ़ेगा। कहने का भाव के जो जो एजुकेशन है और उनकी सत्कार है जो औरतों का, वो हम घर से माँ पे उससे शुरू होगा। ये हम कहेंगे बाहर के गवर्नमेंट करेगी या कोई और करेगा या कोई करेंगे या वो, कुछ नहीं। सबके आपको अपने निजी चाले हैं, निजी स्वार्थ के लिए वो काम करेंगे, पर ये कोई चेंज आ सकती है तो वो घर से ही आ सकती है। सो फॉर एग्जांपल, मेरी अपनी विद्या जो है, मैं गरीब खानदान से हूँ, मेरे माता ही ने मेरे को पढ़ना लिखना सिखाया। जब वो छोटी उम्र में, जब वो चूल्हे में अग बालते थे, हम लकड़ा इकट्ठे करके उसकी राख जो आधी थी उससे वो भांडे क्लीन करते थे, दूसरी राख बिछा देते थे जमीन पर। उस पर मेरे को उन्होंने अल्फाबेट सिखाया, उड़ा अड़ा पंजाबी में, 1 2 3 4 जमा मनफी सब वहीं सिखाया। और जपजी साहब का पाठ भी मेरी माँ ने मेरे को करना सिखलाया। और ये भी सत्कार करना अपने भाई रिश्तेदारों का, हमेशा हम इवन हमें जो हमारे घर के चूड़े का काम करती थी ना औरत, उसका ना चन्नी था, उसको भी मेरे माताजी कहते कि काका ये हमारे इसके कारण ही सब घर चल रहा है, इसको सत्कार से बुलाओ चन्नी को। उसको चाय पानी पिलाते थे मंजे पर बहाकर, वो कहती थी नहीं मैं भूजे ही बैठ, कहते क्योंकि तू भी मेरे वर्गी हुई है, मेरे बाकी दे परिवार के मैंबर वा, तू इत बैठ के कर। वो कहते प्याली बखरी नहीं, वो कहते ये धो दो साफ होगी। तो कहने का मतलब उन्होंने सत्कार करना घर से हमें सिखाया। और जो मैं कभी बाहर से आता था स्कूलों से, मेरे माता जी मेरे को इवन कहते थे जा उसके चरण छू चन्नी के, वो भी तेरी माँ का रूप ही है, उसके साथ ही तो सारा परिवार पड़ता है, उसके सारे घर बार चलते हैं। ऐसे मतलब सत्कार वो सिखाते थे हमें करना। तो इसी रूप में जो रम्मी बाई जी ने
कोऑपरेट किया बाबा जी साथ, बाबा जी अम्बेडकर के साथ और बाकियों को विद्यापीठ प्रचारी, वो बहुत कमेंडेबल है, बहुत शलाघा योग है। उससे सब सीख कर हमें इन चीज़ों का प्रचार करना चाहिए। पर ये घर से शुरू होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है घर से, बाहर से नहीं, घर से। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कृपाल सिंह साहब अमेरिका से हमारे बीच में, हमें हर मामले में प्रोत्साहित करते रहते हैं और उनका मार्गदर्शन हमारे लिसनर्स को, हमारे यंग जनरेशन को मिलता रहता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कृपाल सिंह साहब। मैं टी आर खुंडे साहब के पास में लौटना चाहूंगा। टी आर खुंडे साहब को काफी रमाबाई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मिशन की कारवां को लेकर काफी ज्ञान है। मैं टी आर खुंडे साहब से गुजारिश करूंगा कि आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर माता रमाबाई जी के जन्म से लेकर उनके निर्वाण दिवस तक के संघर्षों को हमारे सामने, उनका जो जीवन संघर्ष है उसको विस्तार से रखने की कोशिश करें और हमारे आज के इस प्रमुख चर्चा पर, क्योंकि मेन स्ट्रीम की मीडिया कभी भी, मुझे लगता है कि माता रमाबाई जी के जीवन संघर्ष पर किसी भी मेन स्ट्रीम की मीडिया ने ना दिखाने की कोशिश की है ना कोई चर्चा करने की कोशिश की है। हमारा ये प्रयास माता जी के इस जीवन संघर्ष को चर्चा पर उन्हें हमारे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। चर्चा पर टी आर खुंडे साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि उनके संघर्ष पर विस्तार से व्याख्या करें। टी आर खुंडे साहब, मैं मानवता चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि माता रमाबाई के बारे में बोलने का इस चर्चा का विषय रखा और छिपी हुई इतिहास को सामने लाने का उन्होंने प्रयास किया है, वो निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र। जी शुक्रिया। मैं नारी की भूमिका के बारे के पहले मैं उस समय सामाजिक परिदृश्य के बारे में क्या सोच चल रहा है मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। मैं तुलसीकृत रामायण के ऊपर आता हूँ। तुलसीदास ने किताब लिखा है रामायण, जिसको रामायण बोलते हैं, तो उनमें लिखा है ढोल गवार शूद्र पशु नारी एक सब ताड़न के अधिकारी। ये उसमें माने शूद्र पशु और नारी इन सब के बारे में उनकी जो सोच राम राज्य की बात करने वाले ऐसे सोच रखा करते थे कि ये ढोल की तरह है, इनको पीटो। ये जो सामाजिक परिदृश्य की मैं बात करना चाहता हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो लिखा हुआ है, तुलसीदास जी से पूछ लीजिए अगर जिंदा है तो, मुर्दा है जिंदा भी है जैसे भी, पूछ लीजिए उनसे ये क्यों लिखा कैसे लिखा। दूसरी चीज एक और बोला करते थे, एक और जगह लिखा अवगुण आठ सदा उर रहे, मैंने आठ अवगुण नारियों में रहता है। ये जो बात जो कहा है ये हिंदू धर्म की जो सभ्यता है उनकी मानसिकता है, ये इसको दिखाता है। ऐसे परिदृश्य में हम खास करके इस देश में जो सामाजिक परिवर्तन हुआ है उस सामाजिक परिवर्तन में हमारी माताओं का बहुत बड़ा योगदान। मैं तो सबसे पहले माता सावित्रीबाई फुले की बात करता हूँ और माता सावित्रीबाई फुले ने उस गोबर और टीचर को बताया जो पढ़ाने जाती थी स्कूल, सोचिए मैं हम लोग चर्चा किए थे, तो ये उनका अगर उन्होंने ये सोच नहीं बनाता तो ये जो पढ़ा लिखा वर्ग जो अभी हमारे अपने डॉक्टर गोपाल सिंह जी बोल रहे थे, माँ बहन बेटी इस रूप में हम देखते हैं। ज्योतिबा फूले ने इसी बात को महसूस किया कि अगर औरत पढ़ेगी तो पूरा परिवार पढ़ेगा, बच्चे को दूध पिलाते पिलाते वो ABCD सिखा देगी। ये सच्ची बात है, ये जीवन के इसी से वो क्रांति के बारे में कितना सोचते थे, कितनी जल्दी वो विकास की बात सोचा करते थे। ये हमारी सामाजिक जो सोच, हमारे महापुरुषों की जो सामाजिक सोच के पीछे और नारियों को शिक्षा के पीछे और नारियों को आगे लाने के पीछे और नारियों का योगदान, मैंने उसके ऊपर जितना बोला जाए वो कम है। इसी तरह से इसी परिदृश्य पे हम जाते हैं तो डॉक्टर अम्बेडकर की विशेष है, वो 1898 में पैदा हुई, फरवरी 1898 और
सात साल की उम्र में 1906 में इनकी शादी हो गई। उस समय डॉक्टर अम्बेडकर की उम्र था 14 साल। उस समय डॉक्टर अम्बेडकर की उम्र मैं स्थिति को सोचिए कैसे परिदृश्य रहा होगा, बचपन का विवाह और ये जो चलता रहा। और इसी के बीच में उनको अपने उन्होंने पढ़ाई भी किया, परिवार भी चलाया, और कुछ पढ़ते पढ़ते उनकी एक नहीं चार चार बच्चे खो गए, चार बच्चे खो गए डॉक्टर अम्बेडकर। सोच लीजिए कफन, जो ने बताया ना कफन के लिए जो स्थितियां हैं उनको मैं अगर एक एक परिदृश्य को बताना शुरू करूं तो ये तो मैंने इतना दर्दनाक परिस्थितियों में उन्होंने गुजारा है। कई कई टाइम उनको भूखे रहना पड़ता था, रोटी नहीं मिलती थी, रोटी मैंने ऐसे ऐसे परिस्थितियों में रह करके उन्होंने अपने परिवार को चलाया भी, और लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ने लिखने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया, उन्होंने रोका नहीं। जब वो गोल जब उन्होंने वर्मा जी जब बता रहे थे गोलमेज परिषद में, तो यशवंत थे उनका जो ये था, तो उस समय बहुत बीमार था, बहुत ज्यादा, और तो और उनको जाना जरूरी था। तो उन्होंने जब वो बोले कि भाई बॉडी उनकी लगभग मैंने खत्म मैंने अवस्था में था, कोमा खत्म हो गया था लगभग समझ लीजिए, तो उन्होंने ये बात को कहा कि अगर एक एक बेटे को देखूं पूरा, अगर अगर मैं गोलमेज परिषद पे नहीं जाऊंगा तो इस देश के करोड़ों करोड़ों बच्चों का भविष्य खतरे में चल जाएगा। मैंने ये जो सोच देखिए करोड़ों करोड़ों, इसके लिए उन्होंने छोड़ करके उनको जाना पड़ गया, और गोलमेज परिषद में भाग लेने के कारण यहाँ आज आज जो जो एक वर्ग पैदा हुआ है, आज हम अधिकार की बात सोच पा रहे हैं, ये योगदान उस महिला की योगदान है जिसे हम माता रमा बाई के नाम से कहते हैं। अगर योगदान उनका नहीं होता, अगर उन्होंने जीत अगर वो ये कर जाती कि नहीं नहीं आप मेरे विश्व मत जाओ, हम हमें जो अधिकार मिला आज वो अधिकार भी नहीं मिलता। अगर गोलमेज परिषद में नहीं गए होते, रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, ये कैसे मिलता। सोचिए मैंने परिस्थितियों को सोची कि किस तरह की परिस्थितियां थी, और फिर भी उन्होंने इसी पढ़ाई लिखाई में जो इनका योगदान है इसके ऊपर जितना बोला जाए, इसीलिए नारी समुदाय को आगे आना है। नारी समुदाय के आगे आने के कारण हमारे समाज में जो भी क्रांति आई है या बदलाव आया है, उस बदलाव के पीछे नारियों का बहुत बड़ा हाथ है। अभी भी हमारी नारियां महिलाएं हैं इस बात को महसूस नहीं कर पा रहे, उस तरह का सोच नहीं है अभी भी इस देश में कि अभी भी उनको ढोल गवार शूद्र पशु नारी अच्छा है। अभी भी वो उसके बारे में विद्रोह नहीं कर पाती, कभी उसके ऊपर चर्चा नहीं करती, कभी सोचती नहीं ये ऐसा क्यों लिखा, ये चर्चा का विषय होना चाहिए, ये हमारी माताओं बहनों को सोचता हो, ये हमें इन सांस्कृतिक जो व्यवस्था है सामाजिक व्यवस्था है इसको बदलाव लाने बगैर अगर हम सोचते हैं हमारे महिलाओं की, आज भी महिलाओं की स्थिति दयनीय, गुलामों से गुलाम। आज भी अभी डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोर्ट बिल लाए, हिंदू कोर्ट बिल का विरोध किया गया, आज उसी हिंदू कोर्ट बिल नहीं अगर नहीं होता यहाँ प्रधानमंत्री बनने के लिए अवसर नहीं मिला यहाँ महिलाओं को, इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बन गई उसी कोर्ट बिल का अधिकार के कारण। पढ़ने लिखने में जो मौका लगा महिलाओं को पढ़ने लिखने का, तो ब्राह्मण भी अपने बेटियों को नहीं पढ़ाते थे, वो तो जमाना था ऐसा था कि अपने बेटियों को वो भी नहीं पढ़ाते थे, लेकिन हमारे महिलाओं सावित्री बाई फुले को पढ़ाकर उन्होंने कितना बड़ा क्रांति लाया, ये सोचिए महिलाओं का कितना बड़ा योगदान। अगर उन्हीं महिलाओं के कारण से आज ये पुरुष वर्ग जो आज पढ़ा लिखा पैदा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं लेकिन हमारी महिलाएं अभी भी गुलाम के गुलाम, तो व्यवस्था के गुलाम। बड़ी अब एक इस गुलामी को अगर एहसास कर लें तो क्रांति आ जाए, लेकिन अभी भी वो उनका वो दीपक और ये अगरबत्तियों में वो व्यस्त रहती, क्योंकि तो उन्होंने उनको यही नहीं समझ पता कि वो किसका पूजा कर रहे हैं, जिसकी पूजा कर रहे हैं वो उनको ढोल गवार और वो आठ सदा उड़ रहा ही, ये जो लिखा गया है तुलसीदास ने लिखा है, ये तो मेरा लिखा हुआ नहीं, पता नहीं वो उन अवगुणों को
क्यों ये कहना चाहता था, क्या कहना चाहते थे। मैंने महिलाओं के प्रति जो सोच है ये बहुत बड़ी, ये बड़ा सोचने का विषय है। ऐसे परिस्थितियों में हम, हमारी माताओं ने रमाबाई जी का और सावित्रीबाई फुले जी का और भी क्रांतिकारी महिलाएं, फातिमा बेगम है, जिन लोगों ने इस विषय पे जो चर्चा किया है वो तारीफ का भी नहीं। इसीलिए आज उनके जन्मदिन को हम ऐतिहासिक बनाना जरूरी है, उनको सामने लाना, ताकि ये हमें इन 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 व्यवस्थाओं के खिलाफ संघर्ष करने की भावना पैदा हो सके। अगर अगर संघर्ष करने की भावना पैदा नहीं होता तो इनकी जन्म को याद करना, ये करने पर्पस यही होना चाहिए, और हमारी विषय का चर्चा का विषय भी इस दिशा में बदलना चाहिए कि आज नारियों का योगदान उनकी गुलामी के से छुटकारा, मुक्ति पाने के लिए होना चाहिए। नारियों का योगदान उनकी गुलामी से मुक्ति पाने के लिए शुरुआत होना चाहिए। यहाँ पर वो क्या वो ये जो हुआ था ना, अभी साउथ में मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते थे, कौन सा जगह था वो जिसमें लेडीज लोगों को वे अवस्था में जाने नहीं देते थे, और उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। तो सोचिए, मैंने अभी भी इंडिया में ऐसी सिस्टम है, घर उनका उनका पत्थर है, पत्थर खराब हो जाएगा, पत्थर को भी छूट लगता है। यहाँ ये देश है, ये देश है, ऐसा देश है जहां पत्थर को भी छूट लग जाता है। जबकि कबीर साहब ने कहा, पहान पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे तो चाकी भली पीस खाए संसार। मेरे साथ समझ में नहीं आया, अभी तक हमारे देश के लोगों को ये बात समझ में नहीं आया, अभी भी वो भागते हैं। इतने बड़ा मंदिर, जितना मंदिर है एक्चुअल में अड्डा है यह विचार का। अगर मैं कहूं सही में, देख इतनी घटनाएं हुई है, मैं नहीं बोलता बाबाओं का, चाहे बाबा राम, बाबा उसका क्या नाम बोलते हैं जो जेल में, राम रहीम, और बाबा आसाराम, आसाराम को तो आप सुने ही हैं, आसाराम झासाराम का बारे में आप तो सुने, वो तो जानते ही हैं। तो ये जो कल्पना, हम इन लोगों की पूजा करते रहे, इनको देवता और भगवान से ऊपर भगवान जैसे मानते रहे, लेकिन ये निकला क्या? एक से एक घटनाएं, जितनी घटनाएं मंदिर में जाकर के हुआ, अभी हाल की घटनाएं, मंदिर में जाकर के वो बलात्कार का घटना हुआ था अभी रिसेंटली की घटना है, तो एक से एक आपको मैं डाटा मिल जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ कि ये पाखंड का अड्डा बन गया, अभी भी हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं, वहां जाकर के उनको ज्ञान, वो भगवान के पास जाते हैं और उनको मिलता कुछ और है, उनको मिलना, इसीलिए उनको ज्ञान चाहिए। उनको अगर स्कूल में जाएंगी तो उनका अपने अधिकार के बारे में सोचेगी। उन्होंने इन इन व्यवस्थाओं से अवगुण आठ सदा उड़ रहे ही से उनको मुक्ति मिलेगा, बताएंगे नहीं हमें आज हम देश की चलाने वाली हैं, बट आज एयरफोर्स में और बड़ी बड़ी पदों में जाकर हर बड़े बड़े कंपनियों के मालकिन बनकर के आज हमारी बेटियां और महिला काम कर रही हैं। आज अगर ये भावना नहीं आता, ये अम्बेडकर और हमारे पुणे और इन लोग पैदा नहीं होते, और इस तरह का वो हमारे उनका योगदान नहीं होता, उनके महिलाओं का योगदान नहीं होता, तो ये समाज उठ के नहीं खड़ा होता। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आज उनकी प्रासंगिकता इस दिशा में है कि जिनके कारण बदौलत आज डॉक्टर अंबेडकर पैदा हुए, इन्हीं में उनकी पत्नी है, लेकिन उन्होंने मैं तो उनको पैदा किया बोल या तैयार किया जो भी कहिए, इसलिए पैदा करने की पैदा हुआ तो कोई अलग ढंग से ना लें, पैदा करने का मतलब मेरा उनको तय उनको उनको आगे बढ़ाने में जो योगदान रहा है वो काबिले तारीफ है जी। अपने भूखे रहकर उपला बेचकर, उपला मतलब जो कंडे होते हैं ना, कंडे बेच करके उन्होंने पैसा इकट्ठा करके डॉक्टर अम्बेडकर को भेजे, ये स्थितियां हैं। सोचिए अगर उन्हें भेजते तो डॉक्टर अम्बेडकर डॉक्टर बनते और न संविधान लिखते, न हमें अधिकार मिलता। आज समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की हम बात कर रहे हैं, तो ये कितना बड़ा योगदान है। इसलिए वो योगदान के ऊपर जितनी चर्चा किया जाए, मैं तो एक मैं बारकी में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं डिटेलिंग दे सकता हूँ, मैं बारकी में न जा करके, मैं कंटेंट्स पे न जा करके, मैं उनकी एनालिटिकल थाट पे जा रहा हूँ, जो सोच के जो सोच है। और अगर चाहती तो वो मेरा बेटा खत्म हो रहा है, मेरा बीमार हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है करके यही बोलना शुरू करती तो डॉक्टर अम्बेडकर पढ़ नहीं पाते।
लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं मेरा उसको पढ़ना है, पढ़ने दो। पढ़ने में कोई व्यवधान नहीं किया, जहां भी जाना हुआ, जो भी क्रांति करते रहे, जो आंदोलन की ओर गए, उन्होंने उनको पीछे नहीं किया और अपने घर परिवार को संभालती रही और डॉक्टर अम्बेडकर को आगे बढ़ने में और सारे हर कदम पे उन्होंने साथ दिया। इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने, उन्होंने भारत का विभाजन या पाकिस्तान करके किताब में उनका जो जिक्र किया है बड़े विस्तार पे, वो सारा चीज उसका कारण हुई है। इसलिए मैं आज के तारीख में ये कहना चाहूंगा कि हमारी माता रमाबाई का जो योगदान है, उनकी जन्म है, मैं तो ये कहता हूँ कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब कहीं होता है चमन पर दीदवर है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, चमन में तब कहीं होता है जाकर दीदवर है। ये आज दीदवर जो पैदा हुए हैं हमारे। बहुत शुक्रिया छोटे साहब, हम आपके पास फिर से लौटेंगे। आज के प्रमुख चर्चा पे मैं सभी ज्ञानवान बुद्धिजीवियों से उनके विचारों को लाने की कोशिश करूंगा। मैं वर्मा साहब से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा। वर्मा साहब हमें सुन पा रहे हैं? जिस ढंग से कुटे साहब ने विस्तार से अपनी बातें रखी है, कृपाल सिंह जी ने रखा और गायत्री रानी जो दिल्ली से जुड़े हुए थे उन्होंने भी अपनी बातें रखी, तो जिस ढंग से रमाबाई की जो संघर्ष है उसको आप मार्मिक शब्दों में पिरोने की कोशिश तो आपने की है, और कुटे साहब ने भी बहुत कम शब्दों में सारांश में उनका जो एक उदाहरण के तौर पर उन्होंने जो सामाजिक व्यवस्था को लेकर जो हालात थे नारियों को पीटने की, ये ढोर गंवार शूद्र की बात जो कही जाती थी, वो कहीं ना कहीं आज के परिदृश्य में भी आज ये स्लोगन देते हैं सरकार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज देखिए बेटियों के साथ में क्या हो रहा है देश और दुनिया के अंदर में। तो इस संदर्भ में, वर्तमान परिदृश्य में, आज हमारी जो माताएं हैं, हमारी बेटियां हैं, मेरे बहन हैं, वो इतने बड़े संविधान का अधिकार राइट मिलने के बावजूद भी हमारे साथ अन्याय अत्याचार जुल्मों सितम लगातार बढ़ते जा रहा है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं वर्मा साहब? जी जी सर, खुंटे साहब ने विस्तार से बताया ही है, हम दुनिया में नारी सशक्तिकरण या भारत में विशेष रूप से आपके संदर्भ में जो आपका प्रश्न है कि नारी सशक्तिकरण की बात तो करते हैं, लेकिन नारी का जो उत्थान है वो कहीं दिख नहीं रहा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात कहीं दिख नहीं रही। आज भारत में हर 3 मिनट में एक बलात्कार की घटना, जो डाटा रिकॉर्ड है उसमें ये बात आ रही है। तो निश्चित है कि इन जो महिलाओं ने उस समय, आज तो कम से कम भारत आजाद है, स्वतंत्रता है, हर तरह से जीने की, हर तरह से व्यवसाय करने की, पढ़ने की, हर तरह की स्वतंत्रता, उस समय इन महानायिकाओं ने, जैसे सावित्री बाई फुले का साहब ने जिक्र किया, माता रमाबाई जब पढ़ने लिखने का अधिकार ही नहीं था, उस समय इन लोगों ने खुद पढ़ाई भी की। बाबा साहब ने भी रमाबाई को खुद ही पढ़ाया था, जैसे ज्योतिबा फुले को, सावित्रीबाई फुले को उनकी ज्योतिबा फुले ने पढ़ाया, और उसके बाद फिर वो स्कूल खोला घर में, और वो प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में आज उन्हें याद किया जाता है, सावित्रीबाई फुले को। तो रमाबाई भी इसी इस व्यवस्था में, तो जो आप पूछ रहे हैं कि क्या कारण है ऐसा हो रहा, तो मुझे जैसा कुंटे साहब ने बताया, एक ही कारण समझ में आता है, भारत की सामाजिक व्यवस्था। इस सामाजिक व्यवस्था में जो नारी की स्थिति है, जो तुलसीदास या ग्रंथों में जिस तरह से उसे कहा गया है कि ये शूद्र गंवार ढोर पशु नारी, ये सामाजिक व्यवस्था से छुटकारा किसी रूप में नहीं मिल रहा, चाहे नारी का हो, चाहे ये जो वंचित समाज, जो आज जैसे शूद्र कहा जाता है, अनुसूचित जाति जनजातियां जो हैं, ये सब सामाजिक व्यवस्था के शिकार हैं। समाज के जो प्राकृतिक संसाधन है, राज्य के संसाधन है, चाहे शिक्षा का अधिकार हो, चाहे वो आर्थिक व्यवस्था हो, चाहे जहां भी है, चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो, हर जगह जो संसाधनों का बंटवारा है, ये सामाजिक कुव्यवस्था के कारण है। ये जो समाज की व्यवस्था है, और ये समाज व्यवस्था गवर्न है हिंदू कल्चर, हिंदू माइथोलॉजी से,
ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, जिसे ब्राह्मणवादी व्यवस्था कहा जाता है। ये कहीं ना कहीं दोष, अगर नारी को सबसे कमजोर ही तो माना गया है, आज उसको शिक्षा से वंचित है, आज उसके साथ अन्याय अत्याचार होता है कमजोरी के कारण, तो कमजोर पे अन्याय अत्याचार इस सिस्टम की वजह से ऐसा है। ये कोई ऐसा नहीं, कमजोर तो दुनिया के और देशों में भी नारियां हैं, दुनिया के और देशों में, वहां इस तरह का विभाजन नहीं है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र या नारी का इस तरह से अपमान, लेकिन ये केवल भारत ही है, ये सामाजिक व्यवस्था के कारण, ये सोशल सिस्टम। तो सही बात है, मैं इस बात से सहमत हूँ कि जब तक इस सोशल व्यवस्था के खिलाफ एक क्रांति, और जो इसके शिकार है विक्टिम ऑफ द सिस्टम है, वही लोग करेंगे, जो लोग इस व्यवस्था को बनाने वाले लोग हैं, जो बेनिफिशियरी ऑफ द सिस्टम है, वो कभी नहीं चाहेंगे, वो बनाए रखना चाहेंगे। इसलिए शोषण अन्याय अत्याचार होता है इन्हीं लोगों के द्वारा जो शोषक लोग हैं या इस सिस्टम को बनाए रखने वाले लोग हैं, जो बेनिफिशियरी ऑफ द सिस्टम है वो कभी नहीं चाहेंगे, जो विक्टिम ऑफ द सिस्टम है, चाहे वो वंचित समाज हो, चाहे शूद्र समाज हो, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग या नारी भी उसमें सम्मिलित है, इसी वंचित इस व्यवस्था का शिकार नारी भी है, तो इन सब लोगों को इस व्यवस्था के खिलाफ एक आंदोलन, एक आवाज उठानी पड़ेगी, ताकि जो नारी का सम्मान है और जो उसके अधिकार हैं वो मिल सकें। और हम ये मान के चलते हैं कि वो उन महानायकों ने उस समय, जब चाहे वो आर्थिक तंगी, इतनी आर्थिक तंगी, खुंडे साहब ने बताया कि वो उपले पद, मैंने कहीं आगरा में मैं ऐसी बात कर रहा था कि जब बाबा साहब वहां थे तो उनका खर्चा, घर का खर्चा चलाना मुश्किल था, तो वो दिन में कहीं गोबर इकट्ठा करके उपले बनाती थी, जब वो सूख जाते थे उनको बेचती थी और घर का खर्चा चलाती थी। तो हमारे कई साथी उसमें आगरा में, उनको बड़ा बुरा लगा कि ऐसा मत बोलिए, हमारी जो है वो आदर के साथ हम उनके इस तरह के शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो मुझे बड़ा दुख हुआ था कि एक जहां कुछ बातों से सीख लेना चाहिए, हमारे आज की महिलाओं को शिक्षा लेनी चाहिए, वहां लोग अपमान महसूस करते हैं इन बातों को बोलने से कि हम ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। जब मैं कहता हूँ ये फैक्ट है, ये कोई मैं अपनी तरफ से या किताब अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये लिखित चीजें हैं, इनका जिक्र है, तो कहने में कोई बुराई नहीं है। एक सीख लेनी चाहिए आज की महिलाओं को कि उस समय इस कठिन परिस्थितियों में, व्यवस्था में भी इन महिलाओं ने, इन नारियों ने आत्मसम्मान, उन अपना आत्मसम्मान बरकरार रखा, उन्होंने लोगों में आत्मसम्मान जगाया, और वो एक प्रेरणा लेनी चाहिए हम लोगों को आज, हमारी नारियों को प्रेरणा लेनी चाहिए, प्रेरणा का स्रोत हैं ये सब नारियां। जी बहुत शुक्रिया। मैं बोलना चाहता हूँ जगदीश जी, मैं कहना ये आपने प्रश्न किया है ना कि सामाजिक परिवेश में वर्तमान में क्या किस तरह का असर पड़ रहा है, ये जो घटनाएं हैं, जो बला अभी हाथरस का घटना जी, उन्नाव का घटना, ये घटनाओं का विश्लेषण क्या दिखाता है कि सत्ता में बैठे लोग, हम महिलाओं की स्थिति का, हिंदू कोर्ट बिल बन गया, आज तो हिंदू कोर्ट के बिल का तोड़ तोड़ करके अधिकार तो मिल गया, महिलाओं को बराबर का अधिकार बोलने को मिला है, लेकिन अभी भी भारत की नारी अबला है, सबला नहीं है, वो अमेरिका की तरह नहीं है, इंग्लैंड की तरह नहीं है, यहाँ की नारियों को अभी भी अबला बनाया गया, अबला कहा जाता है और बार बार लिखा जाता है, बार बार एहसास कराया जाता है, और अबला, अबला का मतलब कमजोर, और इतनी कम उनके, उनको कमजोर करके कमजोर कहा जाता है। ये जो टेक्निक है हिंदू मैथालॉजी का, जो या ब्राह्मणिक मैथालॉजी बोलिए, उस मैथालॉजी का एक टेक्निक है, अबला अबला बोल करके इनको इतना कमजोर बना दिया गया कि अपने बारे में आज भी वो अबला ही बनी है कि, और इसी कारण से घटनाएं उन्नाव का घटना देख लो, जो सबल लोग हैं अबला को मार डाला,
उसके बाप को मार डाला, रौंद दिया, ट्रकों के ऊपर रौंद दिया, हुआ कुछ नहीं। उसको तो फांसी होना था, फांसी ना हो करके उसको उम्र कैद में कन्वर्ट कर दिया, चार लोगों को फांसी हो गया, लेकिन उसको उसको उसी उससे कम गंभीर मामले में फांसी हो गया, लेकिन उससे गंभीर मामले में वो फांसी नहीं हो पाया, उसको बचा दिया गया। ये व्यवस्था बताता है हम बोलना कथनी और करनी में अंतर कितना। कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर, इनकी नियत साफ नहीं। ये बोलते कुछ हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ा की बात करते हैं और बेटी को सत्यानाश करो ये इनका काम होता है। बेटी को बचाओ नहीं, इनसे बचाओ, उन लोगों से, इन सत्ता में बैठे सत्यानाशियों से बचाओ। ये वही लोग हैं जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वही लोग इनमें सारे जितने घटनाएं घटनाक्रम में आप देख लो उनका ही हाथ है जी। उनसे बचना पड़ेगा। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बोले तो आज भी अबलाओं की स्थिति, अभी भी वो गुलाम स्थिति में, अबला स्थिति में, ये मेरा कहना है जी। बहुत शुक्रिया, आपने इस सच्चाई को लाने की कोशिश की ताकि आज के हमारे जो बहुसंख्यक जो समाज है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो माता रमाबाई के इस कठिन संघर्ष को और सावित्री बाई फूले के इस संघर्ष को याद करें और प्रेरणा ले सकें। बहुत शुक्रिया खूंटी साहब, हम आपके पास फिर से लौटेंगे। मैं गायत्री रानी जी के पास फिर से आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर, अभी तक गायत्री रानी जी, अभी आप खोटे साहब को सुन रहे हैं, सुने आपने, वर्मा साहब को भी सुना है आपने, और जिस ढंग से आज का जो परिस्थिति है वो किस हालात में है, नारियों का क्या स्थिति है, और हम जिस ढंग से हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्षों को एक कम पढ़े लिखे होकर के भी उस माता की सोच देखिए कि कितनी बड़ी और महान रही होगी, लेकिन आज की पढ़े लिखे महिलाओं को अगर हम आकलन करके देखें माता रमाई जी के संपर्क मतलब परस्पर पे, तो मुझे लगता है कि आज की पढ़ी लिखी नारियां भी उनके एक छोटे से अस्तित्व के बराबर भी नहीं है। इसको आप किस नजरिए से देखती हैं गायत्री रानी जी? दोबारा हम आपसे सवाल को लेकर जाना चाह रहे हैं, गायत्री रानी जी सुन पा रहे हैं? जगदीश जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम लोग जो देखते हैं जो करते हैं वो सच नहीं है। पढ़ी लिखी महिलाएं भी उनसे कुछ तुच्छ स्थिति पर हैं, उनकी जैसे कोई हो नहीं सकता, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किया है, आज की महिलाएं अगर इतना कहने में आता है कि भाई घर में ये घर में आधुनिक हो गई हैं महिलाएं या बाहर बहुत आधुनिक समाज में रह रही हैं, लेकिन ये सब कहने की बातें हैं, असलियत में ऐसा कुछ है नहीं। रमाबाई जो हैं उनकी प्रेरणा हमें लेकर के चलनी चाहिए। प्रेरणा लेने कहने से कुछ नहीं होगा, उनकी हमें सीख लेनी पड़ेगी, अपने जीवन में उसको धारण करना पड़ेगा। माता रमाबाई जो थी वो शादी जब उनके विवाह हुआ तो वो 8 वर्ष की थी और जो अम्बेडकर जी थे वो थे 14 वर्ष के, तो इतनी कम उम्र की आयु में उनका बाल विवाह हुआ और बाल विवाह होने के बाद में उन्होंने इतना संघर्ष सहा अपने वैवाहिक जीवन में कि जल्दी ही उनके 3 पुत्र और 1 पुत्री को उन्होंने जन्म दे दिया। अच्छा, इस स्थिति में भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। निर्धनता के कारण उनका बहुत बुरा हाल था, इतना सब कुछ होने के बाद भी उनके भीमराव जी की पढ़ाई या उनके कोई भी जो काम वो करते थे उसमें कोई विघन ना पड़े, इस वजह से वो उनकी कोई भी काम में विघन ना पड़े, पढ़ाई में विघन ना पड़े, इस तरह की कोशिश करती थी कि वो उन तक पहुंचे ही ना कोई मुसीबत। निर्धनता का उन्होंने खुद सामना किया और उनके कामों में विघन ना हो ये उनके प्रयत्न से ही, पति के जो भी पति काम करते थे उनके अपने प्रयत्न से ही वो पूरा अपना सब घर का ध्यान रखना सब कुछ करना, वो अपने संघर्ष को उन तक पहुंचने भी नहीं देती थी, कहीं ऐसा ना हो कि और जो लोगों का जो भला कर रहे हैं, समाज का जो उद्धार उनके कारण हो रहा है उसमें कोई रुकावट आ सके। तो ये उनकी एक बहुत ही खास बात थी
और महापुरुषों के जीवन की ये एक पहचान होती है, जैसे उनकी पहचान थी महापुरुषों के जीवन की यही पहचान होती है। और ये एक ऐसी स्त्री थी जो कि आज उस टाइम एक मिसाल जो हमारे आज के जीवन के लिए मिसाल बन सके, ऐसी स्थिति में भी वो निर्धनता की और निर्धनता और गरीबी और जितनी भी मतलब भुखमरी समझ लो उसके कारण ही उनके चारों तीनों पुत्र और एक पुत्री उन्होंने देह त्याग दिया जी। ये एक बहुत ही मतलब दुखद घटना है कि वो अपने बच्चों का खुद ध्यान रखती थी और ये परिस्थिति जो भी बुरी उनके घर में कितनी मेहनत के बाद आई, वो उनको ये नहीं कि भाई उन्होंने उनकी जो कार्य करते थे जो भीमराव जी उनका जो वो करते थे महिला समाज सुधारक थे जो भी वो मतलब पढ़ाई के उसमें बीच में उन्होंने अपनी किसी भी चीज को आने नहीं दिया और डटकर खड़ी रही मुकाबला करती रही और इसी वजह से वो एक अपने पति के साथ कदम से कदम मिला करके चलती रही। और रमाबाई ने अपनी निर्धनता में भी इतना संतोष और धैर्य से काम लिया कि उनकी कठिनाई का जो था उससे भीमराव अंबेडकर को साहस मिला, उन्हें कोई मतलब कोई मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ा उन्हें। रमा अचानक से क्या जीवन साथी जो होता है गरीब दुख और सुख के कारण परेशान हो रहा है ये उन्होंने पता नहीं चलने दिया। घर में बच्चों परिवार को पालना संभालना सब उन्होंने अकेले किया। और भीमराव अंबेडकर जी एक ऐसे इंसान थे जिनके समाज को भी जरूरत थी उस टाइम, लेकिन उन्होंने ऐसा माहौल बना करके रखा घर का जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगे कि मुझे मतलब ये सब करना है अपने पति को आगे भी बढ़ते हुए समाज के लिए कुछ करने का मौका देना है। और इसी वजह से वो भी एक समाज सुधारक बन गई, आसपास बहुत सारी चीजें उन्होंने खुद ठीक की। इसीलिए एक तो वो समस्या एक नहीं थी, वो जो रमाबाई थी माँ बीमार भी बहुत रहती थी, वो अपनी बीमारी के कारण भी बहुत परेशान रहती थी, लेकिन उन्होंने फिर भी घर उनकी जो साहस की जो राह थी उसमें विघ्न नहीं पड़ने दिया, ना बीमारी का ना निर्धनता का ना कोई भी बच्चों की बीमारी का। उन्होंने खुद अब प्रयत्न किया अपने खुद अब बच्चों को पाला पोसा और पति के सहायक बन के हर जगह वो आगे बढ़ती रही। जी जी बहुत शुक्रिया रोशनी जी, आपने बहुत अच्छे से आज की इस परिचर्चा को रोशनी डाला है, बहुत शुक्रिया। क्योंकि जैसे जैसे हम माता रमाबाई के जीवन संघर्ष की ओर दृष्टि गोचर करते हैं तो आज की परिस्थिति में भी उनका ये जो जो हालात हैं वो बहुत मार्मिक कर देने वाली बातें हैं, जिसको जो करीबी में जो तंग हाल जीवन है वो एक बहुत बड़ा अभिशाप के रूप में होता है, लेकिन अपने तीन तीन चार चार बच्चों को कुर्बान करने के बावजूद भी उनकी सोच देखिए कि इतने बड़े बहुजन समाज जो आज खुशहाल जिंदगी जी रहा है वो उनकी कुर्बानियों की देन है। अगर वो उस कुर्बानी को नहीं देते तो मुझे लगता है कि आज ये समाज उससे भी ज्यादा गर्त के जीवन जीते रहता। तो बहरहाल हम उनके जन्म दिवस के अवसर पर माता रमाबाई जी के कठिन संघर्ष को हम उनके जीवन संघर्ष से प्रेरणा लें, यही आज के इस महत्वपूर्ण चर्चा है। मैं डॉक्टर कृपाल सिंह के पास में फिर से लौटना चाहूंगा कि जिस ढंग से संत महापुरुषों ने हमें जो मार्ग दिखाया है, जो अगर हम उनके जीवन आपको एक बार रोकना चाहूंगी, ये जो महाराष्ट्र में पंढरपुर में एक उसका विठल रुक्मणी का मंदिर था जी, तो वो रमाबाई वहां जाना चाहती थी, मंदिर में जाना चाहती थी दर्शन के लिए, लेकिन उस टाइम हिंदू और उसको हिंदुओं को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था कि हिंदू मंदिरों में अछूतों को नहीं जाने दिया जाता था, लेकिन रमाबाई ने ये ठान लिया कि मैं मंदिर में जाके रहूंगी। उन्होंने जिद की अंबेडकर जी से अपने पति से जिद की कि मुझे वहां लेके चलो, तो मंदिरों में वहां अंदर नहीं जाने दिया जाता था, अछूतों को रोक टोक की जाती थी। ये एक बहुत बुरी हमारे लिए बहुत ही आपराधिक भावना उस टाइम फैली हुई थी ये, लेकिन वो मानी नहीं और मंदिर में बहुत जिद करने पर जब वो पंढरपुर लेकर गए तो अछूत होने के कारण उन्हें मंदिर में अंदर प्रवेश नहीं किया जाने दिया गया।
लेकिन वो जिद करती रही, बिल्कुल हट पे अड़ गई कि नहीं, मुझे अंदर जाना है। आखिर में उनको बिना दर्शन किए ही लौटना पड़ा। इतना ज्यादा उस टाइम अछूतों के साथ ये था कि हमें मंदिर में नहीं जाने दिया जाएगा, अछूतों के साथ में ये भेदभाव होता था। जी, ये तो चरम सीमा थी। धार्मिक प्रवृत्ति की भी बहुत थी रमा भाई जी। बहुत शुक्रिया रोशनी जी। मैं डॉक्टर कृपाल सिंह से निवेदन करूंगा कि आज के इस चर्चा पर थोड़ी सी मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। रोशनी जी ने जो बोला है, नहीं मैं गायत्री जी हूँ सर। नहीं, आपने बहुत अच्छा चीज बोला है। वो धार्मिक प्रवृत्ति थी, धार्मिक उनका धार्मिक अलग, उनका पर्पस क्या था उस मंदिर में, इसलिए वो जाना चाहती थी कि ताकि लोगों को बताना चाहती थी कि हमारे लिए मंदिर काम का नहीं। और उसके बाद उन्होंने प्रचार किया कि आज के बाद से कभी हम मंदिर कभी कोई जाएगा नहीं। ये प्रचार आपको बताना चाहिए कि, और ये उसके बाद उन्होंने कहा कि मंदिर हमारे लिए नहीं, हमें हमारे लिए स्कूल जाना चाहिए। ये बात का प्रचार रमा भाई ने स्टार्ट किया। और डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा कि ये यहाँ वहाँ यही उनको कहते थे कि वहाँ जाना बेकार है, तुम देख चल, उनको लेके गए, देख लो वहाँ पर जाने से कोई फायदा नहीं। लेकिन उन्होंने जिद की तो उन्होंने लेके गए, और लेके गए जाने के बाद उनको जब नहीं जाने दिया गया तो बोले कि भाई जब वहाँ है ही नहीं कुछ होता तो कुछ होते, इसीलिए उन्होंने प्रचार किया कि हमारे लिए जगह सही नहीं, ये हमारे लिए अधर्म, मैं ये धर्म के नाम पर अधर्म है, ऐसा करके उन्होंने प्रचार किया। ये भी बताना चाहिए, वो धार्मिक नहीं बल्कि उनकी उनके कट्टर पंथ को तोड़ना चाहती थी, ये कहिए। जी बहुत शुक्रिया, दोनों की बातें आ गई है। मैं कृपाल सिंह साहब से निवेदन करूंगा कि आज के इस महत्वपूर्ण चर्चा पर अपनी शॉर्ट कमेंट हमारे सामने रखने की कोशिश करें, हमारा समय भी नजदीक आ रहा है आज के इस परिचर्चा को हम। जी थैंक यू जी। मेरे को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है आप सबकी बातों सुनने के साथ। देखो पहले हमें ये सोचना चाहिए कि भाई हम अपने बाहुबल से ही तरक्की कर सकते हैं, किसी से मांग के कोई चीज नहीं तरक्की हो सकती, ना गवर्नमेंट से, ना कोई ऊंची जातों के लोगों के, ना किसी से तरक्की नहीं हो सकती। सिर्फ ये हमारी कोशिश पर ही बना है, वो जो कोशिश है वो हमें आप करनी पड़नी है। वो कोशिश का सबक जो है वो ही रमाबाई जी से और अम्बेडकर जी से जीवन घटनाओं से प्राप्त होती है शिक्षा। ऐसे ही हमारे गुरु नानक साहब किस स्कूल में गए थे, उनकी वाइफ और बच्चे किस स्कूल में गए थे, बाकी के गुरु किस स्कूलों में गए थे। सो पंडित उनको थोड़ा बढ़ाते थे या कोई, उन्होंने सब अपने आप तरक्की करके, अपने आप विचार सांझे करके एक दूजे थे, एक आगे हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़े। सो हम ये तरक्की करना चाहते हैं तो किसी ने और मदद नहीं करनी, सो अपने हम अपने आप को करनी पड़ेगी। लाइक मेरे ग्रैंडफादर रहते थे विलेज में, वो कहते थे कि भाई आप लोग ऊंची जात के नहीं है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो कहते छोड़ो इस विलेज को ही छोड़ दियो, और जाके शहर में बस गए। वहाँ शहर में उन्होंने सिलाई करनी सीख ली, कि कपड़े सीने, उनके साथ वो कोई एक संत से रल गए, उनसे उनसे मुलाकात हुई, वो संत जी के कपड़े सिलने लगे, वो संत जी उनको विचार देने लगे, आप सोनी सिलाई करते हैं, आप क्यों नहीं कुछ थान भी रख लेते कपड़े के साथ, नाले लोगों से लोगों को आप कपड़ा दे दें, नाले उनके सिलाई कर देंगे, ऐसे आपकी इनकम और बढ़ जाएगी। उन्होंने बात अच्छी है, ऐसे शुरू कर दिया, उनसे उनके इनकम और बढ़ गई। ऐसे ही करते करते कहने का बात, जो संगत हम आड़े दुआड़े से करते हैं लोगों से, वो फिर हमारे नवे आइडियाज पैदा होते हैं। पर जे असी हाथ दूजे आगे आगे रखे ना कि भाई हमारी ये मदद को, हमारी वो मदद को, किसी को मदद नहीं करनी। फिर मेरे दादाजी ने हौली हौली वही दुकान से और बड़ी बना दी, उसके कपड़े की एस्टेब्लिश कर ली। कपड़े की दुकान बनाने के साथ उन्होंने फिर अपने पुत्र जड़े थे उनको भी कपड़े के काम में लगा दिया।
ते उनको वो किसी स्कूल पर नहीं गए थे, एक उनको शब्द कीर्तन करने की गुण था, वो गुरुद्वारे में जाके कीर्तन करते थे, लोग और भी उनके आशिक बन गए उनकी सुरीली आवाज सुन के, और जो भी उन्होंने लोड सी उनका बिजनेस भी आगे बढ़ गया, और उनके स्कूल वाले जो प्रिंसिपल थे वो कहते हैं जी तुसी अपने बच्चे हमारे स्कूल में भेजो, हम उनकी फीस माफ कर देंगे ताकि वो और एजुकेशन ले सके। बात कहने का ये है कि हाथ से हाथ मिलाकर और परमात्मा की बख्शिश से यही तरीका है तरक्की करने का, कोई और नहीं, किसी से मंग के नहीं तरक्की होती। सो हमेशा याद रखो जिमें रमी भाई जी ने और अम्बेडकर जी ने तरक्की की है, इसी तरह होर महापुरुष हैं जैसे हमारे कबीर जी हैं, दस गुरु हैं, या उन सबके जीवन से आगे बढ़ने का सबक सीखो। और ये ब्राह्मणवाद है उससे छुटकारा सिर्फ यही है, उसका बायकॉट करो। एग्जैक्टली, जितना चिर आप बायकॉट नहीं करेंगे, अपने जो भी पैसे वगैरह ने वो सेव करके चंगे काम पर लगाओ, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए लगाओ, वहां कोई स्वर्ग नहीं है आपकी वेट कर रहे, स्वर्ग या नर्क यही है वो। सो झूठे लारे जो लगाते हैं लोग के भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इंद्रपुरी में जाएंगे विष्णुपुरी में जाएंगे, ये ऑल नॉनसेंस है, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, ये है ना यही है। सो मेहनत करो, अपने आप से रल के एक दूजे से हेल्प करो तरक्की करने के लिए, यही मेरी प्रार्थना है। शुक्रिया डॉक्टर कृपाल सिंह साहब, आपने महत्वपूर्ण चर्चा सारांश में आपने रखी है, समय के अभाव है हमारे पास में, मैं एक एक मिनट में लास्ट कमेंट लेना चाहूंगा डॉक्टर वर्मा साहब से। वर्मा साहब लास्ट में अपनी आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर अपने संक्षिप्त विचार रखें। आपके चैनल और आपका धन्यवाद करते हुए मैं पुनः उनके जन्मदिन पे शुभकामनाएं देते हुए उनके रास्ते पे चलने की प्रेरणा ग्रहण करने की मैं निवेदन करता हूँ। मैं खुद भी उनकी जैसी महानता, उनके त्याग और बलिदान, दो चीजें मुझे याद आती हैं, उनका त्याग और उनका बलिदान जो उन्होंने परिवार के लिए, वो समाज के लिए भी उनका त्याग और बलिदान, इस बहुजन समाज के लिए उनका ये त्याग और बलिदान प्रेरणा का स्रोत रहेगा, और हम सबको उनसे प्रेरणा लेके अपने जीवन को और उनके रास्ते पे चलने की प्रेरणा लेनी चाहिए। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया वर्मा साहब। यार खोटे साहब एक मिनट सर लास्ट कमेंट। मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आदमी सोच ले, जैसे डॉक्टर कृपाल सिंह जी ने बोल रहे थे, हमें दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं होना, तब तक हम निर्भर रहेंगे, व्यवस्था तो हमें खुद बदलना होगा, और वो व्यवस्था नहीं बदलेंगे जो व्यवस्था का लाभ ले रहे, ये हमारे संत महापुरुषों ने सीखा। इसमें सबसे ज्यादा शिक्षा से कबीर साहब थे, शिक्षा स्कूल नहीं गए उस समय, तो उनको पढ़ना लिखना तो देखा, लेकिन उन्होंने व्यवहारिक ज्ञान के द्वारा इतनी बड़ी क्रांति लाया, संत रविदास ने इतनी बड़ी क्रांति लाया, जितने भी महापुरुष हुए, संत महापुरुष हुए पुराने, उन लोगों ने स्कूल का मुख नहीं देखा, उनको तो अलाउ व्यवस्था ही नहीं, लेकिन फिर भी उन लोगों ने व्यवहारिक ज्ञान के माध्यम से इतना बड़ा क्रांति आया। लेकिन 1835 में लॉर्ड मैकाले ने इस व्यवस्था पे बदलाव लाया, इसी कारण से कि लोग चाहते थे कुछ ज्ञान लेना, लेकिन उन्होंने उसके लिए बंदिश था, उस बंदिश को तोड़ा पहले बार, इसीलिए अंग्रेजों के खिलाफ ब्राह्मणवादी लोग अंग्रेजों के खिलाफ भगाने के लिए आंदोलन, मुस्लिमों को भगाने के लिए आंदोलन नहीं किया, क्योंकि मुसलमान में तो उनमें तो वो खुद ही उसके घर में बैठ करके वो बीरबल बन जाते थे। तो ये हमें सोचना होगा कि ये जो व्यवस्था है ना, इस व्यवस्था में परिवर्तन, हमें अपनी माताओं से प्रेरणा लेते हुए, अपनी बहनों से प्रेरणा लेते हुए, अपनी बेटियों से प्रेरणा लेते हुए, उनको भी बराबर का दर्जा देना और उनके उनकी त्याग और बलिदान का के लिए उत्प्रेरित करना भी जरूरी है, और महिलाओं को खुद आगे
बड़े हमें आज के डेट में मैं कोशिश कर रहा था, मैं दो तीन महिलाओं को और जोड़ा जोड़ने बोला था, पता नहीं क्यों नहीं जुड़ पाई, लेकिन मैंने कोशिश किया था। आज सबसे ज्यादा महिलाओं को आगे आना चाहिए, ऐसे दिवस पे उनको आगे आ करके महसूस करना चाहिए कि हमारा भी कंट्रीब्यूशन है, हम भी बदलाव चाहते हैं। रोशनी जी से निवेदन करूंगा, रोशनी जी अपनी बात रखें और हम आज का समय हमें इजाजत नहीं देता है और आगे बात रखने के लिए। रोशनी जी एक मिनट थोड़ी शब्दों में। हेलो सर, गायत्री जी हैं, गायत्री जी। हाँ मैं वही बोल रही हूँ कि मैं गायत्री जी हूँ, रोशनी जी नहीं हूँ। गायत्री जी लास्ट बुराइयों का थोड़े शब्दों में, हमारा समय पूरा हो चुका है। बुराइयों का नाश करने के लिए हमें बुराइयों से लड़ना होगा, आगे आना होगा, हमें समाज से नहीं, हमें समाज की बुराइयों से लड़ना होगा। हाँ जी, घर से हमें शुरुआत करनी है, फिर उसके बाद में बाहर का देखना, पहले घर से शुरुआत करनी है। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया आज के महत्वपूर्ण चर्चा पर हमारे साथ जुड़े हुए मैम जी। एक मैं कहना चाहता हूँ कि देखो गुरु नानक साहब ने हमें तीन असूल दिए, एक है नाम जपना, नाम जपना चंगे गुण धारण करने जो परमात्मा के हैं, गुण धारण करने अपने जीवन में, कृत करना अपने हाथों से काम करके, दिमाग और हाथों से काम करके, और बंट छकना एक दूसरे से शेयर करना। देखो जी जो तीन असूल है हम अपने जीवन में धारण कर लें, कोई भी बंदा हमारे तरक्की नहीं रोक सकता, क्योंकि अखीर पर योग कहते हैं आपे बीज आपे ही खा, नानक हुक्मी आवा जा, जो आप बीजेंगे वही खाएंगे, ये मेहनत करेंगे वही आगे फलेगी, ये आप दूसरे पास हाथ अड़ते रहे ते मंगते का रूप हो जाएंगे। सो हम डिसीजन हमारा है कि किस रास्ते को हम अख्तियार करना चाहते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, जिसमें डॉक्टर कृपाल सिंह साहब का, वर्मा साहब का, गायत्री जी का, रोशनी जी जुड़ पाई थी लेकिन वो उनका प्रतिक्रिया नहीं आ पाया, टीआर खुटे साहब का, मैं सभी मेहमानों का और आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक स्पेशल डॉक्टर कृपाल सिंह साहब का, मेघराज सिंह साहब का बहुत शुक्रिया हम करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण चर्चा पर। और जितने भी लिसनर्स हैं, हमारे दर्शक हैं, उनसे गुजारिश करेंगे कि वैसे मानवता चैनल पे हो रहे चर्चाओं को कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया भी दें। बहुत शुक्रिया आज के इस कार्यक्रम के लिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का फतेह।